सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक मेडिकल की दुकान थी। मेडिकल में जो बूढ़े व्यक्ति बैठते थे वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते थे, बहुत बड़े भक्त थे और बहुत भक्ति करते थे, बड़ा प्रेम था। पर उनका एक बेटा था, वो बड़ा नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता था। जब उनकी मेडिकल की शॉप में, दुकान में एक भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा था और वो रोज जाकर दिया जलाते थे, भगवान की पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, पर उनका जवान बेटा बिल्कुल ना समझ था, भगवान को मानता ही नहीं था। कुछ दिनों बाद वो बूढ़े पिता गुजर गए। अब पूरी मेडिकल की दुकान वो बालक संभालने लगा। चूंकि वो बड़ा नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, तो भगवान श्री कृष्ण की जो तस्वीर उसके पिता ने लगाई थी वो ज्यों की त्यों लगी रही। अब बेटा नास्तिक था तो ना दिया जलाता ना तस्वीर को साफ करता। धीरे धीरे तस्वीर में धूल जमती गई और वहां पर मकड़ी का जाला सा लग गया। अब वो नास्तिक था, वो भगवान की तरफ देखता नहीं था। चूंकि पिता ने तस्वीर लगाई थी तो उसने हटाया नहीं कि ये पिता की निशानी है। उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था भगवान पर। पर मैं कहता हूं ना, एक बार जिनको विश्वास नहीं है, एक बार तुम विश्वास करके देखना, एक बार विश्वास करके देखना। यदि तुम्हारे विश्वास पर खरे उतरते हैं भगवान तो विश्वास कर लेना, नहीं तो फिर तो आप जैसे हैं वैसे हैं ही। उस बालक ने, एक दिन क्या हुआ, रात्रि का समय था, हल्की हल्की बारिश होने लगी। उसके कुछ दोस्त आए और वो अपनी मेडिकल दुकान की आधी शटर गिराकर और अपने दोस्तों के संग मेडिकल भीतर दुकान के अंदर ही ताश खेलने लगा। ताश खेल ही रहा था कि तभी एक छोटा सा बालक आया जिसकी माँ बहुत बीमार थी। उस माँ का एक ही बेटा था, माँ बीमार थी, डॉक्टर ने कहा था ये दवाई लाकर दे देना तो ये माँ बच जाएगी, नहीं तो बचना बड़ा मुश्किल है। गरीब व्यक्ति था, गरीब माँ थी, नन्हा सा बच्चा था। वो दवाई का पर्चा लेकर छोटा सा बच्चा दुकान मार्केट में गया, जाकर देखा लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, पर एक ये मेडिकल, क्योंकि ये मेडिकल के अंदर ताश खेल रहा था तो दुकान खुली थी, आधा शटर गिरा था। तभी नन्हे से बच्चे ने शटर को खटखटाते हुए कहा, भैया क्या ये दवाई मिलेगी? वो बालक जिसकी मेडिकल थी उठा, बैठे बैठे वहां ताश खेल रहा था, वहां से पर्चा लिया, हाँ हाँ मिलेगी लाओ, पर्चा लिया और दवाई देखा और पास में ही वो दवाई रखी थी, उठाकर उसने दे दिया। अब वो ताश खेलने में इतना मस्त था कि वो कौन सी दवाई दे रहा है वो थोड़ी देर के लिए भूल गया और उसने दवाई दे दी। जब वो बालक वहां से चला गया तब उसे याद आई कि थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर चूहा मारने की दवाई रखी थी और उन्हीं दवाइयों के साथ मैंने, किसी ने वापस की थी चूहे की दवाई, दो ले गया था एक वापस कर दिया, तो मैंने जल्दी जल्दी में यहां रख दी थी ये सोच करके थोड़ी देर में सही जगह पर रख दूंगा। उन दवाइयों के संग चूहे की दवाई थी और बच्चे को वो चूहे की दवाई दे दिया, चूहा मारने की दवाई। अब तो उसके पांव के तले जमीन खिसक गई, खड़ा हुआ, शटर उठाया, बाहर जाकर देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया, वो बालक चला गया। इसने अपने दोस्तों से कहा, यार आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, एक बालक अपनी माँ के लिए दवाई लेकर गया है, ये दवाई नहीं देगा तो शायद माँ मर जाए और मैंने चूहे की दे दी, वो तो पिएगी तो मर ही जाएगी। अपने दोस्तों को उसने भगाया और माथा पकड़ करके बैठा, बहुत परेशान था। तभी आज पहली बार उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर चली गई। मेडिकल शॉप पर जो उनके पिता ने भगवान कृष्ण का चित्र लगाया था, तस्वीर पर गई और उसने मन से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं आज तक आपको नहीं मानता था, आज भी आपको नहीं मानता, यदि आप हो तो उस बच्चे की मां की आप रक्षा करना,
मुझे दुख इस बात का है कि उसकी माँ मरेगी तो मेरे कारण मरेगी, क्योंकि मैंने उसे चूहे मारने की दवाई, उसने दवाई कुछ और मांगी पर उन्हीं दवाइयों के संग मैंने वो दवाई रख दी तो धोखे से वो दवाई चली गई। मुझे इस बात का दुख है कि उसकी माँ मरेगी तो पाप मुझे लगेगा। वो बालक एक मुझे लगता है वो अपनी माँ का लाडरा बेटा है, माँ मर जाएगी तो बेटा अनाथ हो जाएगा। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे विधाता, हे श्री कृष्ण, आज तक मैंने आपको नहीं माना, आज तक मैंने आपकी पूजा नहीं की, मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता, पर आज यदि आपने उस बच्चे की मां को बचा दिया तो आज से मैं आपका हो जाऊंगा। आप मेरे विश्वास पर खरे उतर जाइए और मेरे द्वारा दी हुई वो दवाई, कहीं से पता चल जाए कि वो कौन बालक था, कहां से आया था, तो मैं उसकी मां को हॉस्पिटल ले जाकर इलाज मैं अपनी तरफ से कराऊं। अभी वो ये भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था, हे भगवान उस बच्चे की मां को बचा लेना, हे भगवान उस बच्चे की मां को बचा लेना, तभी वो बालक फिर से आ गया और उसने फिर वही पर्चा दिखाकर कहा, भैया क्या ये दवाई और है? वो दंग रह गया, अरे तुम अभी दवाई ले गए थे, उसका क्या हुआ, माँ को पिला दिया क्या? बोले नहीं, पानी गिर रहा था और मैं घर में गया, जैसे ही मैं अपने आंगन में पहुंचा मेरा पांव फिसल गया और वो दवाई हाथ से छूटकर पत्थर में जाके गिरी, सीसी फूट गई, सारी दवाई बिखर गई। मैं तुरंत दौड़ कर आया कि दूसरी बार वो दवाई मिल जाए तो माँ बच जाए। वो व्यक्ति मेडिकल वाला तुरंत उस बच्चे को गोद में उठाया और उसे कहा, बेटा चिंता ना करो, मैं चल रहा हूँ। उसने तुरंत अपने रुमाल से भगवान श्री कृष्ण के चित्र को साफ किया और अपने दो आंसू बहाकर भगवान का धन्यवाद दिया कि विधाता, सच कहते हैं वो लोग कि आप पर विश्वास रखा जाए तो आप कभी भक्तों का विश्वास टूटने नहीं देते, आप कभी विश्वास टूटने नहीं देते। आज से मैं आपका हो गया और उस बच्चे को लेकर वो सही दवाई लेकर गया, उसकी माँ का इलाज कराया, उसकी माँ को हॉस्पिटल ले गया, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया और उसकी माँ बहुत स्वस्थ हो गई और उस दिन से तो वो भगवान श्री कृष्ण का हो गया। मैं आपसे यही कहता हूँ कि यदि आपको भी भगवान पर संदेह है तो एक बार आप भी आजमा कर देख लीजिएगा, और जब आप आजमा कर देख लेना उसके बाद कभी संदेह की गुंजाइश नहीं होने देना, फिर किस बात का संदेह। इसीलिए कहता हूं, भगवान को एक बार, जिनको विश्वास है तो अच्छा है, मुझे तो आजमाने की जरूरत नहीं है, मेरे तो पग पग पे भगवान ही कर रहे हैं, साथ खड़े हैं। पर जिनको यदि विश्वास नहीं है भगवान पर, कोई संदेह है, तो मैं उनसे कह रहा हूं, एक बार आजमा कर देख लीजिएगा, एक बार भगवान आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे।